हेलो मेरे प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। कैसे हो आप सब? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब सही सलामत हैं, घर में अपने वेकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी दिन से लॉकडाउन में हैं, फिर भी आप लोग पिछले दिनों में हमारे इस संडे स्कूल को प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया। मुझे काफ़ी सारे फीडबैक मिला आप लोग से। मैं विश्वास करूँगा प्रभु आपको आशीष दे रहा है। आप लोग नए नए सॉन्ग्स को सीख रहा है और नए कहानियों को सुनने के लिए आप लोगों को मिल रहा है और नए लेसन्स को यीशु मसीह के साथ अपने जीवन की सफ़र में आप लोग आगे बढ़ते जा रहा है, यही हमारे विश्वास है। इस बार के हमारे संडे स्कूल प्रोग्राम में फिर से हम स्वागत करते हैं। आइए हम शुरू करेंगे गीतों के द्वारा। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। रेडी, आप तैयार हैं नाचने के लिए? इस गीत प्रकार से कहते हैं, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ्य है, इसलिए मैं यीशु की जय गाऊंगा, उसके सन्मुख में मैं नाचूंगा, उसकी महिमा करूंगा, स्तुति करूंगा, प्रशंसा करूंगा। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ओके, हम मिलकर इस गीत को गाएंगे, प्रभु का आनंद मेरा बल है। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ्य है, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ्य है। यीशु आपकी उपस्थिति में आनंदी आनंद है, यीशु आपकी उपस्थिति में आनंदी आनंद है, इसलिए गाते हैं, मनाते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यीशु की, यीशु की, यीशु की, यीशु की। मुझे लगता है हमको थोड़ा सा और फास्ट में गाना चाहिए, स्पीड में गाना चाहिए और इस गीत की आनंद हमें उठाना चाहिए। आइए अपने स्थानों में हम और भी खुशी के साथ, आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ्य है, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ्य है। यीशु आपकी उपस्थिति में आनंदी आनंद है, यीशु आपकी उपस्थिति में आनंदी आनंद है, इसलिए गाते हैं, मनाते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यीशु की, यीशु की, यीशु की, यीशु की। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ्य है, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ्य है। यीशु आपकी उपस्थिति में आनंदी आनंद है, यीशु आपकी उपस्थिति में आनंदी आनंद है, इसलिए गाते हैं, मनाते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। यीशु की, यीशु की, यीशु की, यीशु की। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह को हम महिमा देते हैं, वो स्तुति के योग्य है, उसके सन्मुख में हम नाचते हैं, गाते हैं
और परमेश्वर की महिमा हम करते हैं। आमेन। योर लाइट ब्रोक थ्रू माय नाइट रिस्टोर्ड एक्सीडिंग जॉय। योर ग्रेस फेल लाइक द रेन एंड मेड दिस डेजर्ट लीव। यू हैव टर्न माय मॉर्निंग इनटू डांसिंग। You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Your hand lifted me up and stand on higher ground. Your praise lifted my heart and made this valley sing. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. This is how we overcome. 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 Oh, this is how we overcome. This is how we overcome. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Ekorba, this is how. This is how we overcome. Oh, this is how we overcome. This is how we overcome. This is how we overcome. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Hallelujah! परमेश्वर ने हमारे हर एक दुख को मृत में बदल दिया है। हम उसके नाम को महिमा करेंगे, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करेंगे। अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। छोटा सा एक गेम हम करेंगे आज, विशेष रूप में हमारे छोटे बच्चे साहब ध्यान दें, ये गेम आप लोग के लिए हैं। इसका नाम है एंजल क्लैप। हमें मालूम है परमेश्वर का स्वर्गदूत एंजल्स हमारे चारों ओर हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। विशेष रूप में इस कोविड 19 के समय में भी परमेश्वर की स्वर्गदूत की सुरक्षा हमारे साथ में है। तो एक गेम हम करेंगे, एंजल क्लैप हम इसको कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक व्यक्ति जब बोलते हैं एंजल क्लैप, आपको तीन स्टेप्स हैं उसमें। सबसे पहले आपको तीन बार क्लैप करना है। फिर पहला कदम है, एंजल्स को क्या है, विंग्स हैं, पंख हैं, तो एंजल्स पंख चलाया। दूसरी बात है, फिर से तीन बार क्लैप करना है। और ऐसे खड़े रहना, जैसे कि एंजल जो है हमें क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं, तो एंजल की सुरक्षा को हम देखते हैं। तीसरा है उसका, तीन बार क्लैप फिर से करना है और ऐसा करना है। एंजल क्या करते हैं, अपने पंख को, अपने मुख को छुपाते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो हम करेंगे, तो एक बार मैं करके दिखाऊंगा। आपको बोलना है एंजल क्लैप,
ओके अभी आपने घर में किसी को आप बोल सकते हैं उनको एंजल क्लैप बोलने के लिए, अगर आप दो लोग हैं आपस में भी कर सकते हैं एंजल क्लैप बोलते समय, ये तीनों स्टेप आपको करना है। जैसे कि हम खेलते हैं स्टैच्यू ओवर है ना, इसी प्रकार आपको बोलना है एंजल क्लैप, तो उनको क्या करना होगा, ये तीनों स्टेप करना होगा। ठीक है ओके, अभी मैं नहीं करूँगा, आप लोग करना है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग करने के लिए रेडी रहिए। एंजल क्लैप, वाओ अच्छा किया ना, जोर से बोलना है बोलते समय। ठीक है तो आप लोग आपस में खेलिए, अगर घर में कोई नहीं है तो मम्मी के साथ खेलिए, पापा के साथ खेलिए और इस गेम को खूब एंजॉय करिए। ठीक है, आज का हमारा थीम है लव योर नेबर, आपके पड़ोसी से आपको प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है ना। इस दिनों में हमें मालूम है, हमें एक ऐसे सिचुएशन में है, बहुत सारे लोग इस भारत महाराज देश में जो है काफ़ी कठिनाई से चले जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये संदेश जो हमारे जीवन से प्रकट होना, हम अपने लोगों से दूसरे लोगों से भी हमें प्रेम करने की आवश्यकता। आइए हम बाइबल की इस कहानी को देखेंगे। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? सड़क के किनारे एक आदमी पड़ा हुआ है जो बुरी तरह से जख्मी है क्योंकि उसे चोरों ने मारा है। तुम बच्चों पर मुझे बहुत गर्व है, मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। फादर, क्या आप हमसे खुश हैं? हाँ बच्चों, इस बात में कोई शक नहीं है। फिर आप हमें कहानी क्यों नहीं सुनाते? ये हुई ना बात, आओ चलो मैं तुम लोगों को एक कहानी जरूर सुनाऊंगा। क्या मैं शुरू करूं? लेकिन ये बाकियों से थोड़ी लंबी है, उम्मीद करता हूं कि तुम सुनना चाहोगे। जी फादर। जीसस अपनी बात बताने के लिए बहुत प्यारी कहानी सुनाते थे और द गुड समैरिटन उनकी कहानियों में से सबसे नामचीन कहानी है। एक दिन किसी ने जीसस से पूछा, सभी पुराने टेस्टामेंट कमांडमेंट में से सबसे जरूरी कौन सा है? ईश्वर से प्यार करो, ईश्वर तुम्हारे दिल में समाएंगे, वो तुम्हारी रूह में भी समाएंगे और तुम्हारे दिमाग में भी। जितना तुम अपने आप से प्यार करते हो उतना ही तुम्हें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए। प्यार के कई अलग अलग मायने हो सकते हैं, पर ये क्रिस्टियन लव जिसके बारे में जीसस बता रहे थे वो ये था कि सबको दया की नजरों से देखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह का प्यार हमें करना चाहिए, ना कि इस तरह का प्यार सिर्फ सोचना चाहिए। पड़ोसी को अपना बनाकर प्यार करो, ये पुराने टेस्टामेंट लॉ का हिस्सा है, लेफ्टिकल्स 1918, जो जीसस के लिए पवित्र था, किन्फलोक जो जीव था, पर ज्यादातर लोगों को पड़ोसी का मतलब लगा कि बस उनके मित्र जो जीव हैं। उसी तरह एक बार एक वकील ने जीसस से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? जीसस ने गुड समैरिटन की कहानी बताई, वो कभी न भूले उस तरह उसके सवाल का जवाब दिया। एक ज्यूइश आदमी कहीं अकेले जा रहा था, उसी वक्त कुछ चोरों ने उन पर हमला कर दिया, उसे मारा और उसके पास जो कुछ भी था उसे चुरा लिया और उसे मरने की हालत में सड़क के किनारे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक ज्यूइश फादरी वहां आया और उस बेचारे को सड़क पर देखा। एक धार्मिक इंसान होने के नाते आप उम्मीद करेंगे कि उसे वहां रुककर उसकी मदद करनी चाहिए थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, फादरी उसे अनदेखा कर चला गया। बाद में एक लिवाइट वहां आया, फादरी के असिस्टेंट को लिवाइट बोला जाता है, तो आप उम्मीद करते हैं कि उसे भी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उसने भी वही किया जो फादरी ने किया था और वो चला गया। आखिर में एक समैरिटन आदमी वहां आया, फिलिस्तीनी जमीन पर रहने के बावजूद वो दोनों एक ही धर्म को मानते थे।
ज्यूस और सैमरिटन कभी भी एक दूसरे को अपना पड़ोसी नहीं मानते थे, बल्कि वो एक दूसरे से नफरत करते थे। सैमरिटन ज्यूस के एक अलग जाति के लोगों से आए थे। 100 सालों तक दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते थे और एक दूसरे से बात करना तक पसंद नहीं करते थे। किसी को भी लगता कि सैमरिटन उसकी बिना मदद किए चला जाएगा, पर उस आदमी को, उस जख्मी जुइश आदमी को देखकर बहुत ही अफसोस हुआ। हे ईश्वर, उन लोगों ने इस आदमी के साथ क्या कर दिया? उसने उसकी पट्टी की, उसने जख्मी इंसान को अपने कंधे पर रखा और उसे ऐसी जगह ले गया जहां वो सुरक्षित रहे। क्योंकि उस जख्मी आदमी का सब कुछ लूट लिया गया था, सैमरिटन आदमी ने उसके सारे बिल भरे और उसका ख्याल रखने वाले को भी पैसे दिए। उसका अच्छे से ख्याल रखना। ये कहानी बताने के बाद जीसस वकील की तरफ मुड़ा, जिसने पूछा था, और कौन है मेरे पड़ोसी? उसका जवाब दिया, अब तुम ही बता दो कि उन तीनों में से उस जख्मी इंसान का पड़ोसी कौन है। वकील को मजबूर होकर सैमरिटन का नाम लेना पड़ा, जिसने उस जख्मी इंसान की मदद की, ना कि उसके साथी ज्यूस, जिन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। जीसस ने फिर कहा, बेटे जाओ और तुम भी वही करो। बच्चों, क्या तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। बताओ, तुम्हारे पड़ोसी कौन है? हर वो इंसान जो हमारा अपना नहीं, फिर भी किसी पीड़ा में है, दुख में है या जरूरतमंद है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये रहे चॉकलेट्स तुम्हारे लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर एक सैमरिटन एक ज्यूस का दोस्त बन सकता है और जीसस ने कहा जाओ और वैसा ही करो, तो सभी जो ईश्वर के लोग हैं वे हमारे पड़ोसी हैं। हमें उनसे प्यार करना चाहिए जैसा कि उस सैमरिटन ने किया। अब भी क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, ज्यूस, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, अफ्रीकन अमेरिकन्स, नेटिव अमेरिकन्स, हिस्पैनिक्स, एशियंस, गरीब, बेघर, बदसूरत, अपाहिज, मस्तिष्क रोगी और अनगिनत ग्रुप ऐसे हैं जो जुल्म, नफरत और असमानता के यहाँ शिकार बन चुके हैं। तुम्हें बात समझ में आई बच्चों? जीसस नीचे बड़े अफसोस से देखता होगा और सोचता होगा कि 2000 साल बाद भी हमने अपने पड़ोसियों से प्यार करना नहीं सीखा। मुझे अभी थोड़ा आराम करना है, क्या मैं जा सकता हूँ? तुम यहाँ खेल सकते हो, पर शोर मत मचाना, ठीक है? फिर मिलते हैं। ठीक है फादर। दोस्तों, आपने देखा, मुझे मालूम है ये कहानी आप लोग बार बार सुना है, पर आज के संदर्भ में ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नो, किस प्रकार से उस कहानी में हमने देखा है, और कुछ दोस्त लोग जो हैं, एक व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ, उनको भी मदद किया और उनको एक कहानी भी सुनाया, और उस कहानी में हमने देखा हमारा पड़ोसी कौन है। नो, हमें मालूम है परमेश्वर ने हमसे कहा हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। इससे पहले, अपने पड़ोसी से प्रेम करने से पहले के पहले परमेश्वर ने कहा हमें परमेश्वर से प्रेम करना। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, पर इस प्रेम को हम कैसे प्रकट करेंगे? कैसे मालूम है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? इस बात को तभी मालूम है जब मैं दूसरे लोगों को प्रेम करते हैं। क्या आप दूसरे लोगों को प्रेम करते हैं? मुझे मालूम है आप अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं, अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, अपने दोस्तों से आप प्रेम करते हैं, है ना? इन सब लोगों से, सब लोगों को आप प्रेम करते हैं। पर कभी कभी नॉर्मली जो है, हम सोचते नहीं है जिसको प्रेम हमें करना है, हमारे मन में ये बात नहीं आता है हमें उनसे भी प्रेम करना है। तो बाइबल हमें बताते हैं हमें उन लोगों से भी प्रेम करना है जिनके प्रति हम सोचता भी नहीं है। हमें उन लोगों के लिए प्रेम करना बहुत ही आवश्यक है, तभी जो है परमेश्वर का उस प्रेम जो है हमारे अंदर से प्रकट हो। हम कैसे उस प्रेम को प्रकट करते हैं? कभी कभी हमारे मदद के द्वारा हम उनको मदद कर सकते हैं, कभी कभी हम उनको उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं,
ना हमें मालूम है इन दिनों में बहुत सारे लोग बहुत कष्ट में हैं, कुछ बच्चों के पास जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर रहने के लिए घर नहीं है, रोड में चलते 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 कुछ लोग मर रहा है। क्या हम उनसे प्रेम करते हैं? हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और जहाँ कहीं हमको एक मदद देने की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन में जो है कभी कभी स्कूल में हमें मौका मिलते हैं दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को कुछ सहायता करने के लिए, इस सब के द्वारा हमें दूसरों को प्रेम करना बहुत ही आवश्यक है। क्या आप लोग तैयार हैं दूसरे लोगों को भी प्रेम करने के लिए, उनको मदद करने के लिए जिनके पास कुछ है नहीं है, जिनके पास अगर स्कूल में हम देखें कभी कभी कुछ दोस्तों के पास पेंसिल नहीं रहते हैं, रबर नहीं रहते हैं, हम उनको मदद करते हैं? हाँ, परमेश्वर ही हमारे जीवन से चाहते हैं हम जो हैं समाज में जो लोग गरीब हैं, जो लोग के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, उनको हम एक मददगार बनना बहुत ही आवश्यक बात है। तो हमें दूसरों को भी प्रेम करना है। तो आज हम जब बाइबल में इस बात को देखते हैं, बाइबल हमें एक बात बताते हैं, ये बाइबल का एक गोल्डन रूल करके बताते हैं, है ना, एक स्वर्ण नियम है बाइबल का, वो हमारा मेमोरी वर्ड्स है आज हमारे लिए। वो वर्ड्स हमने निकाला है लूकर जी सुसमाचार से, हमने इसको निकाला है लूक चैप्टर 6 वर्स 31, वहाँ लिखा है डू टू अदर्स एज यू वुड हैव देम टू देम डू टू यू, डू टू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू टू यू। वहाँ इस प्रकार से हिंदी में लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जैसे मैं चाहता हूँ लोग मेरे साथ करें, वैसे ही मैं उनके लिए करें। यही बाइबल का एक गोल्डन रूल है, ये हमारा मेमोरी वर्स है। जैसे लोग हम चाहते हैं, हम मांगते हैं लोग मेरे लिए करें, हमारे लिए करें, वही कार्य हमको किसके लिए करना होगा? दूसरों के लिए करना होगा। ये हमारा मेमोरी वर्ड्स हैं। तो आइए हम इस वर्ड्स को हम सीखेंगे, और इस बात में भी हम आगे बढ़ेंगे, हम दूसरों को प्रेम करेंगे, दूसरों को मदद करने के द्वारा, उनके आवश्यकताओं को पूरा करने के द्वारा हम उनसे प्रेम कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया। आपने हमसे कहा है हमारे पड़ोसियों से प्रेम करने के लिए, दूसरों को प्रेम करने के लिए, ताकि सच में लोग जाने प्रभु हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। प्रभु विशेष रूप में हमारे भारत देश के बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं, जो इन दिनों में बहुत ही कष्ट में है, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और रोड में प्रभु बहुत सारे लोग चलते चलते जा रहा है, काफ़ी सारे बच्चों को अपने जीवन प्रभु नष्ट हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके लिए आप स्वर्ग से प्रावधान करें प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारे जीवन को संभाला है, आपने हमें सुरक्षा दी है, अच्छा घर दिया है, अच्छा माँ बाप दिया है, सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में इस स्वभाव को आप बढ़ने दें, हम दूसरों को प्रेम करने वाला बने, दूसरों को मदद करने वाला बने, और आपका सच्चा दोस्त हम बन जाए प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं सच्चा समय के लिए। हम हमारे प्रिय दोस्त लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, सब जनों को आप आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। इस हफ्ते की आपकी एक्टिविटीज़ जरूर आपके क्लास टीचर्स आपके ग्रुप में डालेंगे, उनके लिए विशेष धन्यवाद। वे लोग बहुत मेहनत करते हैं, हर बार आपके लिए एक्टिविटीज़ को ढूंढते हैं, डालते हैं, प्रभु उन्हें भी आशीष दें। तो आप लोग उसको देखें। हमारा इस बार का थीम है लव योर नेबर, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। प्रभु आपको आशीष दे। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपके साथ रहे। धन्यवाद।